बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ एक मैं ये खबर शेयर कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भाई मुझे इसके मुतल्लिक भी करते हैं और भाई इस चीज से फायदा भी उठाते हैं। अच्छा, हमारा काम होता है जी आपको बता देना, आपको भाई इस चीज से अपडेट कर देना कि भाई ये काम ऐसे कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि भाइयों के काम होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अभी दमाम से एक भाई ने मुझसे रब्ता किया था और मुझे बोला था कि भाई ऐसे कफील सैलरी भी नहीं दे रहा है, इकामे भी नहीं लगा रहा है। मैंने बोला इकामे देखो खुद चेक कर लो या मुझे इकामे की पिक्चर भेज दो। उनकी कंपनी जो है वो अखमर में आ रही, यानी कि रेड में आ रही थी। तो मैंने बोला अभी सफारा में चले गए, रियाज में। रियाज सफारा में गया, वहां से उनको एक पेपर मिल गया, वो वापस दमाम में आया, दमाम मकतबे अमल में गया, वहां पर उनका वो पेपर जमा हुआ। 15 दिन का टाइम दिया गया, यानी कि वो खरूज नहाई जाना चाहते थे। तो 15 दिन के बाद उनका खरूज नहाई का मैसेज उनको आ गया। मैंने उनको बोला अभी आप अपना खरूज का पेपर निकलवाएं और अपनी टिकट लेकर, बाकायदा 60 दिन का टाइम है आपके पास, 30-40 दिन के अराउंड में निकल जाइएगा। तो अपनी टिकट वगैरह लेकर सफर कर लें, आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। तो उस भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह या ढेर सारी या दुआएं दी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात यह देखें वो उसका काम हो गया, काम एक्सपायर थे। बाहर किसी एजेंट को 1000-1500 रियाल देता, उसके बाद पकड़ाई देता, उसके बाद जेल में 15-20 दिन पड़ा रहता, जलील होता और उसके बाद पाकिस्तान पहुंचता। ठीक है, उससे बेस्ट नहीं है, उसका काम ऐसे हो गया, यानी कि सफारा के थ्रू, और काम भी तकरीबन 1 माह के अराउंड में हो गया। और दूसरी बात, एक चीज ये भी कि वो भाई साहब न्यू वीजा के तौर पर जा भी सकेंगे सऊदी अरेबिया। जो जेल वगैरह के रास्ते में आते हैं आपको पता है उनके ऊपर फिर पाबंदियां लग जाती हैं। अभी कितने साल की लगती है इसके लिए, हम मतार पेपर निकलवाते हैं या खरूज वाला पेपर निकलवाते हैं, वो मैं मुख्तलिफ वीडियोज में यहाँ पर अभी अपना व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा हूँ। आपने अगर उसके मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो बहरहाल जी, मैं जो न्यूज के मुतालिक आपको बताने वाला हूँ वो ये है जी, आपके देखें आपके इकामे एक्सपायर है, आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, आपने कफील आपकी सैलरी दे रहा है, कफील के ऊपर केस ठोकना है। ठीक है जी, और इसके अलावा आप कंपनी से बदून कफील भागे हुए हैं बाहर, और इसके अलावा अगर आपका हरूब है और अगर आपका मतलूब भी है तब भी आप इनसे मिल सकते हैं। इसके अलावा कफील या कंपनी के ऊपर आपने ये केस करना है इस टाइप का कि यानी कि ये ना तो मेरी सैलरी दे रखा है, ना मेरा इकामा लगा रखा है, और ना मुझे खरूज भेज रखा है। इस चीज का केस भी आपको ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इनसे मिल जाएगी। किनसे मिल जाएगी, इस तरफ या इस तरफ, साथ में आपको दिखा रखा हूं मैं। देख लें जी, काउंसलर टीम की मदीना अल मुनवरा में आमद, मदीना अल मुनवरा या इसके इर्द गिर्द में कहीं भी आप बैठे हुए हैं आप इनसे मिल सकते हैं। और जो भाई दूसरे शहरों में है वो सुन लें कि इनसे आपने मिलना कैसे है और आपने पर मसला वगैरह कैसे बयान करना है इनसे। अच्छा, यहाँ पर आपको तारीख बता दूं, 20-21 जनवरी है जी, और सुबह 8:30-11:30 जुमे वाले दिन, दोपहर 2:30-5:00, और हफ्ते वाले दिन का टाइम है जी 8:30-12:00। मुकाम पाकिस्तानी हाउस मदीना मुनवरा, नीचे आप इनका फोन नंबर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा आपने इनसे जाकर सीधा इस मुकाम के ऊपर पहुंच जाना है। आप कहीं भी भाई बर्रा वगैरह से या कोई भी नकल जमाई वगैरह अड्डा, वहां से टैक्सी ले लें, कोई परदेसी लीजिएगा टैक्सी में, वो आपको सीधा ले भी जाएगा, उसको पता भी होगा जगह का, जगह उसे बताएंगे वो सीधा आपको ले जाएगा। अच्छा, वहां पर जाकर इनसे मिले, आप इनको बोले जी कि मेरा ये मसला या मैंने पासपोर्ट रिन्यू करवाना या शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाना है, वो भी होते हैं, और मैंने या मेरा इकामा एक्सपायर और मैं घर जाना चाहता हूँ, या मेरा हरूब है मैं घर जाना चाहता हूँ, या मैंने कफील के ऊपर केस कर, जाकर आपने सिंपल इनसे अपना मसला बताना है तो ये आपको उसका सलूशन बता देंगे, या तो आपकी फाइल वगैरह वहीं जमा हो जाएगी या आपको उसका सलूशन बता देंगे। क्या आप जम्बो से आ रखे हैं जद्दा में ये काम अपना करवाने, क्या आप जम्बो से मदीना आ जाएंगे तो आपको बेस्ट ये एक सहूलत मिल जाती है बंदों को।